पूरे विश्व में आकर्षण के सिद्धांत के बारे में हर मोटिवेटर, हर राइटर, हर सफल व्यक्ति, हर आध्यात्मिक व्यक्ति बात कर रहे हैं। आपने भी आकर्षण के सिद्धांत के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा या कहीं वीडियो देखी होगी। ध्यान दीजिए कि रोंडा वर्न ने आकर्षण के सिद्धांत यानी कि द सीक्रेट बुक में और डॉक्यूमेंट्री मूवी में इस सिद्धांत के बारे में बताया और कहा कि आपके जीवन में हर वो चीज़ आकर्षित होती है जो आप अपने मस्तिष्क में तस्वीर बनाते हैं, किसी भी सफलता के लिए, किसी भी अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए, किसी भी खुशी के लिए यानी कि खुशियां पाने के लिए और धन वैभव संपदा पाने के लिए, ज़्यादा अच्छा बिजनेस बढ़ाने के लिए आप, या अपना लाइफ पार्टनर पाने के लिए, या कोई अच्छे रिश्ते मेंटेन करने, आपके रिश्ते टूटे हैं उनको ठीक करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए आपको अपने मस्तिष्क में एक तस्वीर देखनी है, विजुलाइज करना है। विजुलाइज करने के साथ साथ में आपको विश्वास करना है कि आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई है, सॉल्व हो गई है। अगर आपको कैंसर है, किसी भी तरह की कोई बड़ी बीमारी है या छोटी बीमारी है, तो उन सारी चीज़ों को आपने ही क्रिएट किया है। यानी कि इससे पहले बार बार आपने इस तरह की बातें की कि ऐसे कैंसर के पेशेंट होते हैं या ऐसी बीमारियां हो जाती हैं तो लोग मर जाते हैं, इस तरह की बातें सुन सुनकर आपके माइंड में उस तरह के विचार जनरेट हो गए, क्रिएट हो गए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कहीं कोई ऐसा रोग हो गया, तो उसको आपने आकर्षित कर लिया और इसे अब ठीक करना है, तो आप उसे ठीक होते हुए देखें, विजुलाइज करें और खुश रहें और मस्ती करें कि विश्वास करें कि वो चीज़ अब नहीं रहेगी, आपके पास ख़त्म हो जाएगी। तो उस तरह के जब आप सोचते हैं, ऐसे विचारों को जब आप अपने मस्तिष्क में लेकर आते हैं और विश्वास करते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो क्या होता है कि वो बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसा इस डॉक्यूमेंट्री मूवी में दिखाया गया है और इस पुस्तक में लिखा भी गया है और इसे पूरे विश्वास के साथ बताया गया है और मैं भी इस बात को सच मानता हूँ। और मैं 15 साल से मैं आकर्षण के सिद्धांत का पालन कर रहा हूँ और इसका भक्त बना हुआ। मेरे जीवन में जो कुछ भी आज के दिन प्राप्त हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, उन सारी चीज़ों को आकर्षण के सिद्धांत को समझने के साथ साथ में मैंने आकर्षित किया और मैंने देखा कि मेरे पास आज 35 बुक्स हो गई हैं, यानी कि मैं एक राइटर बन गया। और मैंने ये कैसे सोचा, जब मैं किताबें पढ़ता था, बुक स्टॉल पे जाता था, तो मुझे ये समझ में आता था या मेरे मन में एक विचार आता था कि काश मेरी भी कोई ऐसी पुस्तक यहाँ पर होती, इस बुक स्टॉल पे होती और लोग आते खरीदते तो मेरी भी पुस्तक वहाँ दिखती, उस पुस्तक के ऊपर मेरी भी एक फ़ोटो होती, मेरा नाम होता और इसी बुक सेल्फ में मेरी भी बुक लगी होती तो लोगों को देखकर अच्छी लगती वो बुक और खरीदते पढ़ते और मुझे भी देखकर अच्छा लगता। ऐसा कुछ विजुलाइज करता था, मैं सोचता था। और पता है, जब मैं किताबें इस तरह की पढ़ता था तो पीछे कभी कभी उनकी किताबों के पीछे कई राइटर्स की फ़ोटो लगी रहती थी, तो मैंने एक बार अपनी छोटी सी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो काट कर उन्हीं के बीच में लगा दिया था कि मेरी भी फ़ोटो इसी तरह से लगी रहेगी, कभी ऐसा होगा। और आज ऐसा हुआ है, मेरी जो बुक्स हैं ऐसे बुक स्टॉल पर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे या ऑनलाइन में मिल जाएंगे, अमेजोन फ्लिपकार्ट मिल जाएंगे, और मेरी फ़ोटो भी ऐसे महान लोगों के बीच में आज लगी हुई है। तो ये सब कैसे हुआ? इसी तरह से मेरे जीवन में मैंने धन को भी ऐसी तरह से आकर्षित किया। मेरे जीवन में रेकी थेरेपी आई, एंजल थेरेपी आई और एक्यूप्रेशर, पिरामिड्स और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में आई और इन पर मैंने स्टडी किया, इनकी ट्रेनिंग भी, आज मैं लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, ग्रैंड मास्टर बना हुआ हूँ। और इसी दिशा में मेरे द्वारा ये 2 पुस्तक लिखी गई लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बनाई है, लेकिन मैं इसको फिर से इसलिए दिखा रहा हूँ। और जो दूसरा पार्ट है, पहले तो मैंने आकर्षण का सिद्धांत लिखा, इसमें बहुत ही लगा कि इतनी मोटी लिखने के बाद भी लगा कि कम है। उसके बाद फिर मैंने एक दूसरी पुस्तक लिखी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पार्ट 2, और इसमें ही मैंने क्या डाला, लॉ ऑफ कर्मा। मैंने ये देखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ कर्मा पर ही बेस्ड है। अगर आप लॉ ऑफ कर्मा के सिद्धांत को नहीं समझ पा रहे हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं समझ पाएंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपको रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि वो सोचते हैं
कि मेरे पास गाड़ी आ जाए, मेरे पास बड़ा घर बन जाए, और या मेरी नौकरी लग जाए और ज़्यादा पैसे मिले, ज़्यादा सैलरी मिले, या मेरा बिजनेस बढ़ जाए, या मेरा कोई रिश्ता बहुत ही जल्दी से ठीक हो जाए। और इन सारी चीज़ों में उनकी ये जो विशेष होती है मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है, तो परेशान हो जाते हैं और विश्वास करना छोड़ देते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना छोड़ देते हैं, परेशान हो जाते हैं और उदास हो जाते हैं, चिंता करते हैं, नहीं ये सब बकवास है, शायद ऐसा नहीं होता है, मेरे से तो नहीं हो रहा है, लोग जो कहते हैं उनसे होता होगा, पता नहीं वो झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, लेकिन मेरे से नहीं होता है, ऐसे कई लोगों ने हमसे कहा और उदासीनता भरे विचारों के साथ में अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं और बकवास लाइफ बना लेते हैं। पता है आपको, आप जब सुनते हैं कि आकर्षण के सिद्धांत के अकॉर्डिंग जब आप एक यूनिवर्सल चेक फिल करेंगे और फिल करके अपने बेडरूम में अपने सामने दीवार पर लगाएंगे, सुबह उठते ही नींद खुलेगी और आँख खुलेगी आपकी और उस यूनिवर्सल चेक पर आपका ध्यान जाएगा और आपके माइंड वो तस्वीर बनेगी, 10 लाख रुपए मुझे मिलने वाले हैं, 10 लाख रुपए का चेक आपने लगाया है। अब वो चीज़ बार बार कर रहे हैं, 30 दिन कर रहे हैं, 60 दिन कर रहे हैं, 1 साल कर रहे हैं, लेकिन आपके लाइफ में वो 10 लाख रुपए नहीं आ रहे हैं। कारण क्या है पता है आप? कारण क्या है? कारण ये है कि आप कर्म नहीं कर रहे हैं, विजुलाइज तो कर रहे हैं, आप तस्वीर भी देख रहे हैं, लेकिन कर्म नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमने लिखा लॉ ऑफ कर्मा कि आपको ए टू जेड जब से आपने एक लक्ष्य डिसाइड किया कि आपको 10 लाख रुपए चाहिए अगले 90 दिनों में या अगले 120 दिनों में या 1 साल में या 1 महीने में, तो उसी क्षण से उस 10 लाख को प्राप्त करने के लिए अभी से आपको धन कमाने के लिए कौन सा काम करना है, ऐसा क्या करना है, कुछ करना है, तो वो क्या करेंगे आप? कोई बिजनेस करेंगे, चाय की दुकान लगाएंगे, या आप जूता पॉलिश करेंगे, या लेबर मिस्त्री का कोई काम करेंगे, या सब्जी बेचना शुरू करेंगे, या कोई बड़ी दुकान खोल लेंगे, या बड़ी कंपनी खोल लेंगे, या आपकी जॉब लग जाएगी, कुछ तो आपको ऐसा करना पड़ेगा जो आपको गाइडेंस मिलेगी यूनिवर्स के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा आपको गाइडेंस, ये ध्यान रखें। जब आप लक्ष्य डिसाइड करते हैं तो आकर्षण के सिद्धांत के अकॉर्डिंग आपको मैसेज से आना शुरू हो जाते हैं कि आपको कुछ करना होगा, ऐसा कुछ करना होगा, काम करना होगा, कोई भी काम, जैसा मैंने अभी बताया, कोई भी काम, आप बुक लिखकर बेचना शुरू कर दीजिए, आप पिरामिड की दुकान खोल लीजिए, एक्यूप्रेशर की दुकान खोल लीजिए, या ट्रेनिंग देना शुरू कर दीजिए, या रेकी करना शुरू कर दीजिए, या कुछ भी आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको कुछ देना पड़ेगा काम के बदले में, यानी कि सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, तो कुछ करना पड़ेगा। जब ये सारी चीजें उनमें से कोई भी एक चीज आप करेंगे तो उससे आपको पैसा आएगा और वहीं से आप मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम लगेगा और वो 10 लाख आपको मिल जाएंगे। लेकिन बहुत लोग ऐसे आलसी लोग पड़े हैं, बेवकूफ लोग पड़े हैं, जो ये सोचते हैं कि सिर्फ हमने विजुलाइज करना शुरू कर दिया, विज डायरी में लिख दिया और सोचना शुरू कर दिया, अब मेरे पास 10 लाख रुपए आ जाए, ऐसा कहाँ होता है? आकर्षण का सिद्धांत कोई जादू नहीं है, ये एक नियम है। इस नियम के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, राणा वन और उनकी टीम के मेंबर्स ने एक्सप्लेन किया है, गहरी इस पे एनालिसिस की गई है, गहरी इसके ऊपर रिसर्च की गई है, बहुत बड़ी बात है ये आकर्षण का सिद्धांत, और उसी आकर्षण के सिद्धांत को जीना पड़ेगा आपको एवरी टाइम, 24 आवर, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, पूरी लाइफ आपको आकर्षण के सिद्धांत के हिसाब से जीना पड़ेगा और आपके माइंड को उसी हिसाब से चलाना पड़ेगा। आपकी भावनाओं, आपके इमोशन, आपके कर्मा, आपकी ये सब कर्मा ही तो हैं। आपको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या सोना है, क्या जागना है, कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है, क्या सूंघना है, क्या सुनना है, क्या देखना है, ये सारी चीजें आकर्षण के सिद्धांत के हिसाब से ये जो सब कुछ करेंगे वो सब कुछ कर्मा होगा, कर्म होगा, एक कर्म करना पड़ेगा। लॉ ऑफ कर्मा को समझना पड़ेगा कि आप जो बोलते हैं वही काटते हैं, जो सोचते हैं वही बनते हैं, जो देखते हैं वैसा ही दिखता है, आपके आंखों के ऊपर कैसा चश्मा लगा हुआ है, कैसा नजरिया है, आप जैसा नजरिया है, जैसा चश्मा चढ़ा है, दुनिया उसी कलर की दिखाई देगी, उसी रंग का दिखाई देगा। तो ये सारी चीजें कर्म हो, कर्म है, आपको कुछ करना पड़ेगा तब जाके उससे आपको पैसा मिलेगा, यानी कि कर्म को सुधारना पड़ेगा। जब आप कर्म को सुधार लेंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, जैसा सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। ये सारी चीजें क्यों कही गई हैं? इसीलिए कही गई हैं कि यानी कि जो सोचना भी एक कर्म है, बोलना भी एक कर्म है, सुनना भी एक कर्म है, देखना भी एक कर्म है, स्पर्श करना भी एक कर्म है, खाना भी कर्म है,
वीडियो देखना भी एक कर्म है। लेटना, सोना, बैठना, जागना, पहनना, उठना, नहाना धोना, काम करना, पैसे कमाने के लिए कोई बिजनेस करना, कोई नौकरी करना, ये सब कर्म है। रिश्ते निभाना, ये सब कर्म है। ये नियम है, लॉ ऑफ कर्म, नियम है, एक नियम है। इस नियम के तहत आप चलेंगे तो आकर्षण का सिद्धांत आप जी पाएंगे, वैसा ही सब कुछ होने लगेगा। सिर्फ आकर्षण के सिद्धांत को सुनकर, देखकर, किसी के द्वारा कोई उसको मैनिफेस्ट कर रहा है और आप सोच रहे हैं कि मैं भी उतनी तेजी से कर लूंगा, तो देखा देखी ना करें, नकल भी अकल लगा के करें। इसके मतलब को ठीक से समझें और फिर देखें। और इन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इन किताबों को आप पढ़ें, क्योंकि इन किताबों में मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की है, एक एक चीज़ को, एक एक जो कन्फ्यूजन है उसको सब क्लियर किया है हमने इन किताबों में, इसलिए दो किताब बन गए। तो इन किताब पढ़ेंगे तब जाके और ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। और सबसे ज़्यादा समझने का तरीका क्या होता है कि आप उसको प्रैक्टिकल फॉलो करना शुरू कर दें, यानी कि वो करना शुरू कर दें। उसमें से गलतियाँ होंगी, नुकसान भी होगा, आपको घाटा भी लग सकता है, लगने दो। आप फी समझ कर घाटा सह लो कि आपने फी दे दिया किसी चीज़ को समझने के लिए। गहरी चीज़ें हैं, आसान दिखने में लगती हैं, आसान नहीं। जब आप उसको करने से आते हैं तो आपको पता चलता है कि कितनी कठिन चीज है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इतना आसान भी ना समझिए कि जादू की तरह आप सोचना शुरू करेंगे और आपका हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। द सीक्रेट में रोंडा मन ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आप सोचिए बस जादू की तरह हो जाएगा। आपको करना पड़ेगा, उसके पीछे का जो मतलब है कि करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, काम। और काम एक नियम से करें, तरीके से करें, एक मेथड पे करें, सिद्धांत पे करें, तभी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब आकर्षण का सिद्धांत है, एक नियम है। आप नियम कोई छोटे मोटे नहीं होते हैं, नियम ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। नियम के पीछे बहुत बड़ी दुनिया खड़ी होती है, बहुत गहराई होती है, बहुत ही ज़्यादा रहस्य होते हैं, तब जाके कोई नियम बनता है। और जब आप उस नियम पर चलना शुरू करते हैं तो आपकी पूरी दुनिया, पूरी धरती, पूरी जिंदगी हिल जाती है। आप बिल्कुल वो नहीं रहते हैं जो पहले होते थे। आकर्षण के सिद्धांत को आज से फॉलो करना शुरू करिए, आपकी जिंदगी आज से, अभी से, इसी वक्त से बदलना शुरू हो जाएगी, मैं गारंटी लेता हूँ। थैंक यू।